केले के पत्ते पे खाना खाने की क्या साइंटिफिक रीजन है जिससे आपकी हेल्थ बनी रहती है? सही में जब थोड़ा पड़ता ना वैसे ही मुंह में डालो और फ्लेवर ऑफ होम। हम लोग लाए गोगन, गोगन में वी आर हियर टू हैव द प्योर वेजिटेरियन तमिलियन फूड एंड दिस प्लेस इज नोन फॉर दिस ऑथेंटिक तमिलियन फूड। काफ़ी सारी क्वालिटीज है, अगर आप इसका इंग्रेडिएंट देखो तो लगेगा नहीं कि आप मुंबई में कहाँ पर हो, ऐसा लगे आप तमिलनाडु में हो। तो दे आर मेनी थिंग्स जो उन्होंने मुझे बताई है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट यूज एनी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, दे डोंट यूज एनी कलर, फर्मेंट करने के लिए दे डोंट यूज एनी सोडा एंड देर लॉट ऑफ थिंग्स। तो धीरे धीरे आपको इसकी क्वालिटी बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस पे ही सर्व करते हैं वो, एंड इसकी जो खासियत है वो आपको एंड में बताऊंगा कि केले के पत्ते पे खाना खाने की क्या एक यू नो साइंटिफिक रीजन है जिससे आपकी हेल्थ बनी रहती है। एंड तक देखना वीडियो, एंड में कुछ पहले बता दूंगा कि आप बिल्कुल एंड में जाकर स्किप करके ना देख लो। तो भैया शुरू करते हैं। ये वैसे जब भी मैं बोलता हूँ शुरू करते हैं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं अनबॉक्सिंग करूँ किसी चीज़ की? ये हो ही गया, मतलब इतने फेमस हो गए टेक्निकल गुरुजी के जब भी मैं बोलता हूँ भैया शुरू कर तो ऐसा लगता है मैं कुछ अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। इसमें कुछ है नहीं अनबॉक्सिंग, लेकिन शुरू करते हैं। तो हमारा फूड आ चुका है। ये क्या है? सॉल्ट, नमक, पत्ता गोभी, वेज बिरयानी, अच्छा दाल पायस, दाल पायस, दाल दाल दाल, ओके, कुट्टू कुट्टू, पोरील कुट्टू, पोरील कुट्टू, पोरील पोरील कुट्टू, पोरील दैट्स कुट्टू, ओके, सांबर सांबर, रसम रसम, रायता रायता, कर्ड, बटर मिल्क, चटनी चटनी, व्हाइट चटनी, टोमेटो चटनी, क्रीम चटनी। तो अभी थोड़ा बहुत है, इतना ही, थोड़ी जगह खाली पड़ी है। हाँ जी, पिकल, पराठा, उत्तपम उत्तपम, पापड़ पापड़, ओके। और कुछ तो नहीं है इसमें? थैंक यू। सो शुरू करते हैं अपनी मील रसम से। तो मैं पहली बार ये सब्जी खा रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें जो तमिलियन फूड में मैंने कभी नहीं खा रखी। हम लोग जब भी साउथ इंडियन फूड की बात करते हैं तो हम साउथ इंडियन फूड बोलते हैं, विच इज़ आई थिंक जैसे हम नॉर्थ इंडियन फूड बोलते हैं और हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते राजस्थानी फूड इंडियन फूड, मतलब जैसे हम नॉर्थ इंडियन बोलते हैं उसमें राजस्थानी भी आ गया और काफ़ी सारे आ गए। तो साउथ इंडियन फूड को इतना जनरलाइज नहीं करना चाहिए इडली डोसे से। वट आई एम हैविंग इज अ ऑथेंटिक वेजिटेरियन तमिलियन फूड। वाह, इज अ वेरी पंजेंट फ्लेवर। तो मैं पत्ते पे डालूंगी तो हर आपको एंड में बताऊंगा। दिस इज द वेज कोरमा विच आई एम हैविंग राइट नाउ। इन्होंने मुझे ये कहा है वनस्पति यूज नहीं करते, नो हाइड्रोजनेटेड ऑयल, आइदर दे यूज देसी घी जहाँ देसी घी लगता है, और दे यूज सेसमी ऑयल और जहाँ पे जिसकी आवश्यकता थी कोकोनट ऑयल। इज द रायता, बटर मिल्क, वेरी नाइस, एंड ये अनलिमिटेड है, जितनी मर्जी वाले ले सकते हैं। ओके, तो दिस इज पायसम मेड आउट ऑफ दाल विच इज दाल प्लस जैगरी प्लस घी एंड दिस इज पीली दाल। एंड ये क्या था?
That's puriya. Puriya, what is wall papri? Wall papri puriya. वो क्या होती है वॉल पपड़ी? वॉल पपड़ी इट्स बीन्स ना, बीन्स का अच्छा बोलते हैं, वी मेक फाइलेट एंड स्टीर फ्राई विद कोकोनट. ओके. वेरी हेल्दी. तो उत्पम जो है उसको थोड़ा सांभर और चटनी का खा के देखते हैं. ये ग्रीन चटनी है, ग्रीन चिली का. दिस इज अ मिंट चटनी. दिस इज आर टिपिकल कोकोनट चटनी, टोमेटो चटनी विद गार्लिक. एंड दिस इज द सांबर. सो दे आर सेइंग कि टू कीप द ऑथेंटिसिटी, ये लोग जो ये सांभर बनाते हैं उसको तमिलियन अनियन से बनाते हैं, विच इज स्मॉल. एंड यू कैन सी द डेंसिटी ऑफ द सांभर, इट्स वेरी थिक, वेरी नाइस द टेस्ट ऑफ द सांभर. अब मैंने जो चीज़ टेस्ट नहीं करी है निकाल, सब ये रह गया है. व्हाट इज दिस? कुट्टू. कुट्टू दैट्स बिरयानी वी टॉक अबाउट. Special biryani that goes well with the veg kurma. Okay. So next we are tasting the biryani. ये कह रहे कि जो तमिलियन बिरयानी होती है वो बासमती राइस से नहीं बनाई जाती, बिकॉज दे सेड कि बासमती राइस का अपना खुद का एक फ्लेवर होता है. एंड इसका जो तमिलियन राइस जो इन्होंने यूज़ करे विच इज अ स्मॉल राइस, इसमें फ्लेवर नहीं होता, तो इट एब्जॉर्ब ऑल द मसाला. द फ्लेवर्स ओनली कम व्हेन यू बाइट द राइस. काफी अच्छा लॉन्ग का फ्लेवर है इसमें. एंड दिस गोज वेरी वेल विद द कोरमा. तो आई ऑल्सो हैड द गन पाउडर एंड द देसी घी एंड एवरीथिंग. आई थिंक काफी लोग नाराज हो गए, मैं चम्मच से राइस खा रहा हूँ. सो मैं भूल गया था. तो इसमें कुछ मीठा भी है थाली में? मीठा ना, ये पायसम था ना, पायसम इसमें था. अच्छा. और थोड़ा सीरा चाहिए था, सीरा. ओके. ये अचार भी कुछ पिक्यूलियर है? दैट्स पिकल व्हिच इज लेमन पिकल एंड दिस गोस वेल विद द कर्ड एंड दिस मद्रास चिली. सो लिटिल बिट स्पाइसी. दिस इज लाइक दिस. ओके. डू यू ब्रेक इट हियर अलोंग विद कर्ड? यू कैन पुट इट. नो, यू कैन ईट एज इट इज अलोंग, बट इट्स गोइंग टू स्पाइसी फ्लेवर. आई थिंक बेस्ट वे जो साउथ इंडियन फूड राइस है एंजॉय करने का है, हाथ से ही है. एंड अब इसमें हम लोग डालेंगे सबसे पहले कोरमा. भैया और देना जरा. एंड ये चीज़ रह गई, ये क्या है? कोटू. कोटू नहीं, सब्जी. इट्स या चावली, जिस अमरांथस, ग्रीन अमरांथस. ओके. विद बिट ऑफ दाल इन इट, वेरी हेल्दी. तो ये जितनी भी डिशेज है प्योर ऑथेंटिक तमिलियन डिशेज है. एंड सीरियसली काफ़ी चीज़ें मैंने पहली बार खा रहा हूँ. वेरी नाइस. आई पुट दाल, आई पुट सम घी. सब गन पाउडर. वाई इट्स कॉल्ड गन पाउडर? Because it's red in color, it's spicy. Okay. You know, so the moment it hits your tongue, okay, when it's very hot and spicy, okay, you really feel like, you know, so you are again, you know. तो खाना खाने का एक और ये है हाथ से कि आपको टेम्परेचर पता लगता है खाने के, जैसे भी ये गर्म है तो जो भी आप हाथ पे नहीं पकड़ सकते, जो हैंड आपका टॉलरेंस लेवल ज़्यादा होता है हीट का, मुँह का कम होता है. मुझे तो यहाँ का फूड काफ़ी अच्छा लगा. इट्स वेरी गुड. लाइट मील है, मतलब यू कैन हैव हियर, इट्स लाइक अ होमली फूड. तो इफ यू लाइक द साउथ इंडियन फूड एंड यू वांट ट्राई समथिंग रियली रियली गुड, तो आप मुंबई में आ सकते हो इस जगह पे. मैं एड्रेस लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एंड एंजॉय द वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन ऑथेंटिक तमिलियन फूड. तो जो पत्ते की बात बोल रहा था, उसे पॉलीफेनॉल होता है. पॉलीफेनॉल जो पत्ते में होता है, जब हम खाना उस पर रख के खाते हैं
तो खाने में थोड़ा मिल जाता है, मतलब इतना नहीं मिलता, मतलब थोड़ा बहुत ट्रेसेस आते हैं उसके, एंड इट हेल्प्स यू इन यू सेल्वेट मोर सलाइवा विच हेल्प्स यू इन अ बेटर डाइजेशन. तो इनडाइजेशन से आपको बचाता है, तो दैट्स अ बेनिफिट. यू नो वाई लॉट ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया स्टिल ईट फूड ऑन द केले का पत्ता, इट्स बायोडिग्रेडेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली भी. तो ऑन दैट नोट, दिस यू ऑल्स निकल चाहूँगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर सब्सक्राइब, एंड आप भी कभी ऐसे खाया हाथ से खाना ऐसे पत्ते वाली थाली पे तो मुझे ज़रूर बताना, मेरे को तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा. एंड आप भी आओ एंड एन्जॉय दिस लवली फूड इन घुगन एंड अमेजिंग स्टाफ ऑल्सो. आई वुड से ये कुछ कितने रुपये की थाली, 300 रुपीज़ की है आई थिंक, विच इज़ वैल्यू फॉर मनी. इतनी सारी चीज़ें दे रहे हो अनलिमिटेड, तो यू कैन हैव अ गला टाइम. एंड ऑल्सो दे सर्व एन अमेजिंग फिल्टर कॉफी विच जो हम एंड में ले गए और आपको उसका बताएंगे बोनस में. तो आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, क्योंकि काफ़ी लोग शायद थाली ना खाना पसंद करें, तो दे हैव दिस लुक एट दिस थिंग, लुक एट दिस. आई विल टेक माई, यू नो दिस इज माई इंस्टाग्राम पोस्ट, लुक एट द फूम एट द कॉफी मैन. ये देखो, मैं दिल्ली में इतनी जगह फिल्टर कॉफी मिली, इतनी फूम नहीं बना सकते वो लोग. एंड नीचे मिल्क है और इसमें ही सारा कमाल है स्टॉक का. एंड अभी मेरे आगे कुछ समवन फ्रॉम बैंगलोर केम एंड ही सेड के दिस प्लेस सर्व द बेस्ट कॉफी, फिल्टर कॉफी इन मुंबई एट द सेम प्लेस हिज वाइफ सर्व्स एंड ही वॉज फ्रॉम बैंगलोर, सो बैंगलोरियंस नो देयर कॉफी वेरी वेल. दिस इज गोइंग स्ट्रेट अवे टू माई इंस्टाग्राम. इफ यू नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, यू नो वट यू आर मिसिंग. Look at that foam. So I will taste this thing immediately. This is what this is. Kya hai? Ghee malaga pudi. Ghee malaga pudi. Blackwood pudi. Ghee malaga pudi. Ghee butter. Sorry. Ghee gunpowder idli. This is ghee gunpowder idli. Oh wow. Oh damn. Explosion of flavors. गन पाउडर, मतलब मेरे को मिर्ची नहीं लग रही बट सही में गन पाउडर फटता है ना वैसे ही मुंह में डालो और फ्लेवर्स ऑफ बूम. ओहो तो फाइनली दिस इज योर होस्ट निकल चावला, सी यू नेक्स्ट टाइम.